add slicers and edit them. So we saw that कैसे हमने slicers add किया and कैसे हमने उसको edit किया. Now in this particular video we are going to study that why we use slicers and what is the main purpose in our particular model to use the slicer. Now this was the final editing which I made. Just one thing which I need to show first before moving ahead is जब हम लोग इस one पे click कर रहे हैं, let's suppose, तो first month पे जब मैंने click किया ना, तो अपने आप देखो क्या हुआ, 2015 वाला तो एकदम perfect आ रहा है, पर 2016 में there is a ref error, reference error, कि क्यों आ रहा है? Once I go to cell D2, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है pivot table C0 CO4. बेसिकली जो हमारा पिविट टेबल है वो अब बहुत छोटा हो गया, उसमें खाली फर्स्ट मंथ आ रहा है. बिकॉज द मोमेंट आई क्लिक वन ओवर हियर तो यहाँ पे खाली फर्स्ट मंथ दिखाया जाता है. नाउ जो हम लोग का CO4 सेल था वो अब तो ब्लैंक है ना, तो वो अब ब्लैंक है, इसीलिए वहाँ पे 2016 आने के बदले क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है. यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2016. सो इंस्टेड ऑफ दैट क्या आ रहा है यहाँ पे, ज़ीरो. Whereas 2015 में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज इट इज़ स्टिल एट द सेम प्लेस विच इज़ B4, जो जहाँ पे पहले था वो अभी भी उसी पोजिशन पे है. तो मैं कोई भी नंबर पे क्लिक करूँ 2015 हमारा हमेशा परफेक्ट आएगा बिकॉज उसका पोजिशन नहीं चेंज होगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन एट B4 पोजिशन. बट 2016 का पोजिशन चेंज होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने राइट क्लिक करके वहाँ से लेके आया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला एरर आ रहा है. टू चेंज दैट हम लोग क्या करेंगे, अगेन जस्ट क्लिक ऑन दिस. इसका मतलब है कि क्लियर ऑल द फिल्टर्स, तो मेरे सारे फिल्टर्स क्लियर है. अभी ये हम लोग का पूरा डेटा परफेक्ट है, तो इसको मैं कैसे ऐसे एडिट करूँ ताकि मैं जब भी स्लाइसर्स यूज़ करूँ तो हमारा डेटा यहाँ पे परफेक्ट है, स्पेशली जो ये मंथ वाला स्लाइसर है उसके लिए. ध्यान से सुनना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक स्टेप फॉलो करना है, उसको लिख लेना. क्या करना है, 2015 वाले सेल पर राइट क्लिक करना है, कॉपी. तो इस सेल को मैंने कॉपी, मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि कैसे यहाँ पे 2015 व्हेन यू राइट तब आपका जो गेट पिवट डेटा का आंसर है वो गलत आएगा. हमें हमेशा क्या करना है, 2015 और 2016 डेटा को यहाँ से पिवट टेबल से एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसा कॉन्स्टेंट बना देंगे यहाँ पर ताकि जब हमारा स्लाइसर्स चेंज हो तब ये 2015 और 2016 हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, ये ज़ीरो नहीं हो. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी किया, पेस्ट में जाके हम लोग पेस्ट वैल्यूज़ करेंगे, या तो आप पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे आपको पेस्ट वैल्यू करना है, नॉट द फॉर्मूला, पेस्ट वैल्यू, एंड यू विल हैव टू क्लिक ओके. तो यहाँ पे देखना एक एरर आ गया, ये एरर में क्या है, नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट. बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने अब आपको एस्केप प्रेस करना है, मैंने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली मैंने यहाँ पे अपने जो अपने नंबर को एज अ टेक्स्ट में चेंज कर दिया बाय कॉपी पेस्टिंग. वापस से आई डू द सेम थिंग फॉर 2016, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है, एंड उसी सेल में आपको वापस से पेस्ट करना है जहाँ पे आप कॉपी किए हो. तो आपको ये वैल्यूज़ पे क्लिक करके ओके एंड यू हैव पेस्टेड द वैल्यू. अब आपको खाली एस्केप बटन प्रेस करना है. सो द तीन स्टेप है, इस सेल पे जाओ, राइट क्लिक करो, कॉपी करो, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पेस्ट करो एंड एस्केप प्रेस करो. तो यहाँ देखो एक एरर आ जाएगा, लेट द एरर बी द सेम, रहने दो इसको, इसको हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. व्हेन वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस टू एन एक्सटर्नल, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये जिस रो में हमने लिखा है इस रो को एकदम हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर देंगे साइज़ में, ताकि ये हमारे को दिखे ही ना, ताकि ये जो रो है हमें दिखे ही ना, हमें समझ में, क्योंकि ये बहुत वेग लग रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये बहुत वेग लग रहा है. व्हाई दिस इज 2015 एंड 2016 इज रिटन ओवर हियर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, व्हेन द एक्सटर्नल, व्हेन एनी क्लाइंट विल आस्क यू कि क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है जब यहाँ पे ऑलरेडी आपने मेंशन किया है. सो यू आर ऑब्वियसली नॉट गोना एक्सप्लेन पूरा कि आपने गेट पिवट डेटा के लिए आपने पूरा ये सब किया था. सो ऑब्वियसली ये चीज़ हमें एक्सप्लेन करने का नहीं है. अब देखो हम लोग जब मंथ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप ही 2016 चेंज नहीं होगा बिकॉज नाउ दिस हैज़ बिकम अ वैल्यू, आई हैव पेस्टेड द वैल्यू, आई हैव कॉपी पेस्टेड द वैल्यू एज अ टेक्स्ट.
जो मैंने अभी पूरा प्रोसीजर दिखाया 3 स्टेप का एज अ टेक्स्ट, मैंने इसको निकाला पिवट टेबल से ही है, मैंने यहाँ पे टाइप नहीं किया, आप टाइप अभी भी करोगे तो आपका गलत ही आएगा आंसर, मैंने निकाला इसको पिवट टेबल से ही था, पर मैंने अब उसको क्या किया, मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके पेस्ट वैल्यू कर दिया ताकि अब वो एज अ टेक्स्ट स्टोर हो गया, अभी चेंज नहीं होगा. सो नो मैटर इन वॉट मंथ यू क्लिक, आपका अपने आप ही क्या होगा, चेंज होते रहेगा, 2016 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, इसको हम एकदम छोटा कर देंगे. और लेट्स से सपोज यू कैन ऑब्वियसली ऐड, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे वॉल्यूम FDM एंड ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट एंड FDM एनालिसिस किया है. तो अब इसको थोड़ा सा एडिट कर देंगे, थोड़ा सा हल्का एडिट कर देंगे, इट्स अप टू यू आपको कैसे एडिट करना है, अगेन वेरी सब्जेक्टिव. एंड लेट्स चेंज द कलर ऑल्सो. या सो मैंने क्या किया, मैंने 2015-2016 अगेन आई शो यू, मैंने इस रो के विथ को डिक्रीज कर दिया ताकि ये दिखे ना मेरे एक्सटर्नल को कि मैंने एग्जैक्टली क्या करने का कोशिश किया है. एंड नाउ वॉट यू कैन डू इज, नाउ यू कैन सिंपली जस्ट सिलेक्ट. अब द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू शो यू कि हम लोग क्यों ये एनालाइज करते हैं, एज यू ऑल कैन सी द वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2016 द वॉल्यूम हैज़ डिक्रीज. तो ये वॉल्यूम डिक्रीज क्यों हुआ ये हम लोग समझेंगे. सपोज हमने बर्टिनो ब्रांड पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कि बर्टिनो ब्रांड में कितना ज़्यादा डिक्रीज था, देयर वॉज अराउंड 29% डिक्रीज इन द वॉल्यूम फ्रॉम 2015 टू 2016. सिमिलरली बर्टिनो ऑरेंज में देखेंगे देयर वॉज अ 3% डिक्रीज, बर्टिनो पीच उतना डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज है. सो फॉर ऑल द ब्रांड्स यू कैन सी कि कोई ब्रांड में आपका इंक्रीज है, कोई ब्रांड में आपका डिक्रीज है. फॉर द बर्टिनो ब्रांड देर इज़ अराउंड 30% 29% डिक्रीज इन द वॉल्यूम. जब वॉल्यूम में इतना डिक्रीज है तो ऑब्वियसली हमारा देर विल बी अ नेगेटिव चेंज इन द FDM which is the full delivered margin. Similarly ये जो होता है ये filter clear करने के लिए होता है, इसको आप clear कर सकते हो filter यहाँ से. Again you can go for the client कि आपके कौन से client ने सबसे ज़्यादा आपको highest margin दिया है. तो when you click cost को यहाँ पर आप देख सकते हो कि it has given me a negative, मतलब over the year 2015 से 2016 में FDM has decreased, volume has increased but the full delivered margin has decreased. सिमिलरली आप ऐसे करके हर एक मेहता का देखेंगे तो यहाँ पे देर इज़ अ डिक्रीज अगेन इन द फुल डिलीवर्ड मार्जिन, देर इज़ अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम, देर इज़ एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम. तो सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट सिंपली चेक. एक मुझे यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना है विच इज़ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि कैसे हमने एडिटिंग किया है, जो पॉजिटिव फिगर है ना वो भी यहाँ पे रेड में शो कर रहे हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा नहीं आना चाहिए. हम क्या करेंगे, हम पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे. दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू शो यू ऑल हाउ टू एडिट योर डेटा. तो ये सारे को क्लिक सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स में जाना है. फॉर्मेट सेल्स में यहाँ पे दिख रहे हैं नेगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करना है. नेगेटिव नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करने, सबसे पहला चीज़ तो हम कर देते हैं सबको रेड कर देंगे, सबको ब्लैक कर देंगे, सॉरी ऑटोमेटिक में चेंज कर दिया. फिर नंबर में जाके यहाँ पे हमें जो नेगेटिव नंबर है उसको हमें माइनस साइन एंड रेड के साथ शो करना है. तो हम इस वाले को नंबर में जाके नेगेटिव विथ अ रेड साइन सिलेक्ट करेंगे एंड ओके. एंड नाउ सी जब भी नंबर नेगेटिव होंगे तब अपने आप क्या हो जाएगा, दिस विल कम एज रेड विथ अ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो यहाँ पे बर्टिनो में मैंने क्लिक किया तो देखो नेगेटिव विद अ माइनस साइन है ना रेड टेक्स्ट. बर्टिनो ऑरेंज में देर इज़ अ पॉजिटिव चेंज, बर्टिनो पीच में देर इज़ अ पॉजिटिव चेंज. सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट गो फॉर द क्लाइंट्स. आप सिमिलरली देख सकते हो आपका कौन सा पैक, सपोज हमने बर्टिनो किया एंड हमने पैक साइज में देखा कि कौन सा साइज़ एंड कौन सा पैक हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ना. दिस इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा टू योर क्लाइंट. अगर वो आपको कुछ भी बोले कि आपसे कुछ सजेशन मांगे कि आपको कैसे चेंजेस लाने अपने डेटा में, कैसे हम अपना FDM इम्प्रूव करें, कैसे हम अपना वॉल्यूम इम्प्रूव करें, तो आप उनको सिंपली बोल सकते हो कि वी हैव सीन लास्ट 1 ईयर में बर्टिनो ब्रांड हैज़ गिवन अस अ नेगेटिव सेल्स बिकॉज उसके वॉल्यूम्स काफ़ी डिक्रीज हुए हैं.
तो सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट क्लाइंट कि कौन से क्लाइंट ने आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, कौन से क्लाइंट ने आपको सबसे ज़्यादा लॉस दिया है. तो ऐसे करके आप पूरा अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हो. नाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सेक्शन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जो इस वीडियो में बताया मैं वापस से पूरा रिकैप करूँगी. सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैंने बताया था कि 2015-2016 जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था उसको मैंने कॉपी पेस्ट करके पेस्ट वैल्यूज़ कर दिया ताकि अब ये चेंज नहीं होगा. ये 2016 यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू ऑल कैन सी. पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, पिवट टेबल का जो सेल नंबर है उसका रेफरेंस आ रहा था यहाँ पे. बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2016 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट वैल्यू किया है. फंक्शन कॉपी पेस्ट नहीं, कैसे मिलोली, यहाँ पे भी मैंने कॉपी पेस्ट वैल्यूज़ किया है. तो ये क्या हो गया, अब ये मंथ जो भी आप डालोगे आपका चेंज नहीं होगा. सिमिलरली मैंने दिखाया, फिर मैंने इसको इस पर्टिकुलर रो को एकदम छोटा कर दिया. इसका मुझे ज़रूरत एक्चुअली में नहीं है व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस डेटा टू द एक्सटर्नल. मैंने यहाँ पे अपने पेज का पूरा हेडिंग दिया. हेडिंग देना पेज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है. हर एक पेज पे आपका एक हेडिंग होना चाहिए. साथ ही साथ आपका जो पेज है, शीट है, शीट नेम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई रिपीट, ऑल दीज आर वेरी दिस मेक्स योर वर्क लुक मोर फॉर्मल एंड मोर प्रेजेंटेबल एंड दिस विल शो कि आप कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट और कैसे अपने डेटा को कलेक्ट कितने एफिशिएंटली करते हो. तो मैंने देखो हर एक मेरा शीट है वो हर एक शीट मेरा अच्छे से रीनेम किया हुआ है. आपको हर एक शीट रीनेम करना है एंड अगेन आपको पूरा प्रेजेंटेशन एकदम क्लीन रखना है. और एक लास्ट चीज़ विच आई एम गोइंग टू स्पीक इज़ ऑन कि कैसे आप अपने डेटा को आप प्रेजेंटेबली देख सकते हो. जनरली क्या होता है ना, जब आप अपना ये आपने सपोज़ ये आपका शीट, सपोज़ ये आपका स्क्रोल यहाँ पे था, मेरा कर्सर यहाँ था एंड मैंने आप एक्सेल शीट बंद कर दिया. जब मैं एक्सेल शीट वापस खोलूँगी तो वो यहाँ से ओपन होगा, जहाँ पे भी मेरा कर्सर है वहाँ से ओपन होगा. नाउ दिस सीम्स वेरी बैड. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हर शीट के A1 पे जाओ, सेल A1 पे. जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने मे बी लास्ट जब मैंने यूज़ किया था इस वर्कबुक को तब वो उसको मैंने सेलेक्ट किया होगा तो इसीलिए वो वैसे ही आ रहा है. देखो यहाँ पे A1 पे जाएंगे, हर शीट के A1 पे जाना है एंड फिर अपने एक्सेल फाइल को क्लोज करना है. इससे क्या होता है ना, इससे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखता है. जब नेक्स्ट टाइम आप खोलते हो अपने वर्कबुक को तो आपका ये जो कर्सर है वो A1 पे ही रहता है. सो सपोज़ आपने किसी को सेंड किया अपना वर्कबुक तो उसके लिए भी वो A1 से ही खुलेगा, तो उसको बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा पूरा ये जो चीज़ हमने किया है यहाँ पे. सो दिस इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा. यू यूज़ द स्लाइसेस. आई होप स्लाइसेस कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उससे हम एनालाइज करते हैं मेरे डेटा को, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी मच क्लियर. एंड यू मे बी यू हैव स्टार्टेड लाइकिंग स्लाइसेस. आई पर्सनली लाइक यूजिंग स्लाइसेस अलॉट क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके डेटा को प्रेजेंट करने में. आई होप आपको भी पसंद आया है. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज मेक श्योर यू कॉपी डाउन ईच एंड एवरी स्लाइड विच आई हैव शोड यू ओवर हियर. आई हैव 14 स्लाइड्स. आई होप यू हैव कॉपी डाउन ऑल द स्लाइड्स. एंड ये जो हमारा वर्कबुक है, ये जो मेरा पूरा वर्कबुक है ये मैं अपलोड कर दूँगी इन द ड्राइव सो दैट इट इज़ देयर फॉर यू ऑल टू रेफर फ्रॉम. एंड यू कैन टेक, ऑब्वियसली यू कैन टेक द डेटा फ्रॉम हियर एंड यू कैन रेफर इट फॉर योर फ्यूचर यूज़. थैंक यू.